दोस्तों, जीस टीवी के सामने आप अपने कई घंटे बिता देते हैं और बड़े ही शौक और मजे के साथ आप अपने फेवरेट शो को देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एलईडी टीवी को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता होगा? शायद आप यह नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह फैक्ट्री में एलईडी टीवी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, एलईडी टीवी का चलन तो अभी हाल ही में आया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पहला टेलीविज़न सन 1924 ईस्वी में जॉन लेगी बेयर ने एक बक्से, टीन के डब्बे, कार्ड, सिलाई की सुई और पंखे के मोटर का इस्तेमाल करके बना दिया था। इसीलिए 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह फैक्ट्री में इस एलईडी टीवी को बनाया जाता है। सबसे पहले मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा इस टीवी की फ्रेम को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में एक मोल्ड शेप में लिक्विड प्लास्टिक को भर दिया जाता है, जिससे इसकी फ्रेम बन जाती है। इस फ्रेम में एलईडी टीवी की स्क्रीन को बनाया जाता है, जिसमें एक सर्किट बोर्ड पर CRT कैथोड रे प्रोसीजर फॉस्फोरस की कोटिंग प्लेट, जो एक सफ़ेद कागज़ की तरह होती है और कहीं कहीं पर यह गुलाबी भी होती है। इसके बाद इस बोर्ड को एल्यूमिनियम कोटिंग की पतली फिल्म द्वारा ओवरलेट किया जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और LED चमकने लगती है। अब इस सर्किट पर छोटी छोटी LED को लगाया जाता है, जिसके कारण ही हमें इमेज और वीडियो डिस्प्ले पर शो होते हैं। इस प्रोसेस के बाद एक ऑटो मशीन प्लाज्मा एड्रेस लिक्विड डिस्प्ले को फाइबर या प्लास्टिक वाली फ्रेम पर फिट कर देती है। इसके बाद अब इसके PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाया जाता है, जिसमें सामान्यतः डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इस डिस्प्ले की क्वालिटी और क्लैरिटी बढ़ाने के लिए फॉस्फर कोटिंग भी चढ़ाई जाती है। इस फुल प्रोसेस के बाद इसमें ऑडियो सिस्टम को फिट किया जाएगा, जो पहले से ही किसी विशेष कंपनी द्वारा तैयार होते हैं। इसी के साथ इसमें एंटीना, केबल, जैक, अन्य इनपुट और आउटपुट जैक, रिमोट कंट्रोल रिसीवर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अच्छी तरह से असेंबल कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन एलईडी टीवी के सारे पार्ट्स को अच्छी तरह ज्वाइंट कर दिया जाता है। तथा अच्छी तरीके से क्वालिटी और क्लैरिटी चेक करने के बाद इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने एलईडी टीवी कैसे बनाई जाती है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर में कौन सी कंपनी का टीवी लगा हुआ है। देखते हैं कौन सी कंपनी की संख्या सबसे ज़्यादा आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाजू वाले बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।